अच्छा आ जाओ बच्चों 8.1 पे। बेसिक बेसिक से सवाल है जो आप लोगों ने लास्ट क्लास में सीखे थे। 8.1 ने सबसे पहली बात आपसे बोली हुई है, और मैं कहूंगा कि बुक अपने सामने खोल लो, क्योंकि मैं अगर हर पिक्चर को बनाऊंगा ना टाइम काफी जाया होगा। तो बुक अगर सबने खोली हुई है तो बहुत अच्छी बात है। पेज नंबर 242 पे आ जाओ। 242 8.1 आपको एक्स का दिया हुआ है, वाई का सेट दिया हुआ है। लिखने की जरूरत नहीं, डायग्राम उन्होंने बनाई हुई है, एक्स और वाई मैपिंग डायग्राम में सब बनाया हुआ है। लिखा हुआ स्टेट वेदर और नॉट द रिलेशन इंडिकेटेड बाय द फॉलोइंग फिगर्स आर फंक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई और नॉट। वो पूछ रहे हैं आपसे सिंपल ये कि बताओ कि ये जो मैपिंग डायग्राम है सब फंक्शंस के बारे में। बेसिकली शुरू में कोई फंक्शन नहीं होता, शुरू में रिलेशन होता है। आप उसको चेक करते हो क्या ये रिलेशन फंक्शन है नहीं, फिर आप उसको फंक्शन बोलोगे। तो कहने का मतलब ये सारे आपको रिलेशन दिए मैं, अब जरा चेक करो क्या ये रिलेशन फंक्शन है नहीं। ये जो पहली फिगर बनी हुई है पार्ट वन में, क्या ख्याल है इसके बारे में? सर फंक्शन नहीं है अच्छा रीजन भी बताना साथ साथ क्यों नहीं है। सर, क्योंकि एक इनपुट खाली है, बी जो है उससे एक्सीलेंट, उसका। बिल्कुल सही बताया। मैंने बताया था कि हर इनपुट का आउटपुट होना चाहिए और एक ही आउटपुट होना चाहिए। तो अगर आप देखो पार्ट वन में बी का आउटपुट ही नहीं है कोई, ये फंक्शन नहीं कहलाया जाएगा। ठीक है, चाहो तो रीजन भी लिख देना कि बिलफर्ज अगर एमसीक्यू, एमसीक्यूज में आएगा पेपर में तो नहीं आएगा, बिलफर्ज अगर आ गया तो लिख देना कि ये फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बी का कोई आउटपुट नहीं है। आपको और स्टूडेंट बताना पार्ट टू में क्या लगता है, फंक्शन है या नहीं है? बिल्कुल रीजन रीजन बताओ क्योंकि ना। एक इनपुट का एक ही आउटपुट है, तो यहां पे किसके दो आउटपुट हैं? बी के वन और एक्सीलेंट, थ्री ये है। पूरा, हाँ पूरा बताओगे कि ये फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे बी के दो आउटपुट हैं, बी का एक आउटपुट वन है, बी का एक आउटपुट थ्री है, ये फंक्शन नहीं हो सकता। पार्ट थ्री में जाओ, फंक्शन है वो। ठीक है, क्योंकि ए बी सी सबका एक ही की आउटपुट है। हाँ ये कि 1:1 नहीं है, लास्ट क्लास में मैंने 1:1 के बारे में बताया था, 1:1 नहीं है, लेकिन ये फंक्शन कहलाया जाएगा। तो पार्ट थ्री फंक्शन है, मतलब एच जो है वो फंक्शन है, जबकि एफ और जी, मतलब पार्ट वन पार्ट टू में जो फंक्शन है उनके नाम है एफ और जी। तो एफ और जी फंक्शन नहीं है, लेकिन एच जो है वो यहाँ पे फंक्शन है। क्वेश्चन नंबर टू पे आ जाओ। लिखा हुआ विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन आर इंजेक्टिव सर्जेक्टिव बाइजेक्टिव। अब जिसने लास्ट क्लास ली है उसको बात समझ आएगी वरना नहीं समझ आएगी। मैं बेसिक नाम बता देता हूँ, ये जो इंजेक्टिव है, इंजेक्टिव जो है इसको आप बोलते हो 1:1। 1:1 क्या था? हर इनपुट का डिफरेंट आउटपुट होना चाहिए। दूसरा है सर्जेक्टिव। सर्जेक्टिव अगर याद हो तो क्या था? ऑन टू क्या होता था कि जो आपका को डोमेन है, सारे एलिमेंट जो दूसरा सेट है ना उसके सारे एलिमेंट रेंज होने चाहिए। और तीसरा था बाइजेक्टिव, मतलब जो 1:1 भी हो और साथ साथ ऑन टू भी हो। अब जरा देखते हैं ये, मैं चलो जल्दी मैं बता देता हूँ, आप लोग कोई एक दो पार्ट आप लोगों से पूछ लूंगा। सबसे पहले अगर पार्ट को देखो तो वो बाइजेक्टिव है, क्योंकि वो दोनों बातों को सेटिस्फाई कर रहा है। वो 1:1 भी है, हर इनपुट का डिफरेंट आउटपुट है, और साथ साथ वो ऑन टू भी है, दूसरे सेट के सारे एलिमेंट पे एरो जा रहे हैं, इसका मतलब ऑन टू भी है, तो पार्ट वन बाइजेक्टिव है। पार्ट टू की अगर आप बात करो तो इन्होंने डायग्राम थोड़ी खराब सी की हुई है। फाइव का आउटपुट कंफर्म नहीं है, फाइव का आउटपुट वन है या टू है ये कंफर्म नहीं है, लेकिन इतनी बात है कि फाइव का एक ही आउटपुट होगा, मतलब दूसरे सेट के अंदर कोई ना कोई एलिमेंट फारिग है, ये बात आपको नजर आ रही है। तो जब दूसरे एलिमेंट के अंदर कोई फारिग है तो इसका मतलब वो सर्जेक्टिव नहीं हो सकता, क्योंकि ऑन टू फंक्शन में आपने देखा था दूसरे सेट का कोई एलिमेंट फारिग नहीं होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा। क्या पॉसिबिलिटी है? 1:1 हो सकता है। क्यों? क्योंकि हर इनपुट का डिफरेंट आउटपुट है। तो पार्ट टू जो है वो क्या है? इंजेक्टिव। पार्ट थ्री में अगर आप आओ तो वो क्या कहलाया जाएगा, जल्दी से बताओ। ऑन टू ऑन टू होगा, सर्जेक्टिव होगा। क्यों? क्योंकि दूसरे सेट का कोई एलिमेंट फारिग नहीं है। 1:1 नहीं हो सकता क्योंकि, और सॉरी 1 और 3 का सेम ही आउटपुट है, तो 1:1 नहीं हो सकता। ये 1:1 नहीं होगा तो ये भी नहीं होगा, इसका मतलब सर्जेक्टिव है। पार्ट नंबर फोर पे आओ तो डेफिनेटली अगेन सब्जेक्टिव होगा, इसमें ऑन टू है वो। अच्छा जी, पार्ट नंबर फाइव में अगर आप आओ तो ऑन टू तो नहीं हो सकता, ठीक है, और 1:1 है। क्यों? हर इनपुट का डिफरेंट आउटपुट है, ए का 2 है, बी का 1 है, सी का 3 है, इसका मतलब ये 1:1 है। 1:1 है, सब्जेक्टिव नहीं है, और अगर ये नहीं है तो बाइजेक्टिव तो हो ही नहीं सकता, इसका मतलब आप क्या बोलोगे, ये 1:1 है, मतलब इंजेक्टिव है। और पार्ट सिक्स में अगर आप आओ तो अगेन ये है सब्जेक्टिव ऑन टू। 1:1 इसलिए नहीं है क्योंकि सी और डी का सेम ही आउटपुट है, तो 1:1 नहीं हो सकता, ये नहीं होगा, इसलिए क्या हो जाएगा, सब्जेक्टिव हो जाएगा। ठीक है,
तो ये बहुत बेसिक बेसिक सी बातें हैं, ये हमने लास्ट क्लास में कवर की थी। क्वेश्चन नंबर 3 से आओ। क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास फंक्शन लिखा हुआ है, फंक्शन का स्टार्ट लिखा हुआ है जेड और एरो के बाद लिखा हुआ है रियल। इसका मतलब डोमेन जो है वो इंटीजर है और जो रेंज आपको मिलेगी मतलब कोड डोमेन जो है वो यहाँ पे रियल नंबर है। ठीक है, ज्यादातर फोकस आपका डोमेन पे होना चाहिए। डोमेन यहाँ पे जेड है, जेड मतलब इंटीजर, आप यहाँ पे इंटीजर ही पुट कर सकते हो, इस बात को ध्यान में रखना। फंक्शन यहाँ पे डिफाइन किया हुआ उन्होंने x³ + 1, और आपको बोला हुआ क्या कि आप मालूम करो पार्ट 1 में f(0)। जरा मालूम करते हैं, अब f(0) का मतलब क्या है? सिंपल, आपने यहाँ पे इनपुट क्या करना है, 0 करना है। तो जो आपका फंक्शन है यहाँ पे x की जगह पे 0 पुट करो, ये हो जाएगा 0³ + 1 जो कि बराबर हो जाएगा 1 के। इसका मतलब आपको आउटपुट क्या मिला है, इसका 1 मिला। पार्ट नंबर 2 में आपको बोला हुआ है f(5), मतलब आपको फंक्शन में x की जगह पे 5 पुट करना है। तो जरा पुट करो, यहाँ पे x की जगह पे भी 5 आ जाएगा। 5³ बच्चों होता है 125, 125 के अंदर 1 ऐड करो, 126। अच्छा जी, पार्ट नंबर 3 में आपको बोला हुआ है f(3)/4। यहां पे मसला है, क्यों मसला, कोई बता सकता है क्या मसला आ रहा है? सर ये इंटीजर नहीं है। एक्सीलेंट भाई, देखो एक तो होता है कि जो फंक्शन है ना उसके अंदर कोई वैल्यू आप पुट करो तो उस फंक्शन को कोई मसला हो, जैसे रैशनल फंक्शन है कोई ऐसी वैल्यू जो उसके डिनोमिनेटर को 0 कर रही है तो उनको आप निकालते हो, एक तो वो कभी रिस्ट्रिक्शन आपको नजर आएगी। कभी रिस्ट्रिक्शन होती नहीं है लेकिन वो जबरदस्ती निकाल देते हैं, लगा देते हैं रिस्ट्रिक्शन। जैसे अगर आप इस फंक्शन में देखो, इसकी डोमेन सब रियल नंबर है, आप कुछ भी रियल नंबर पुट कर लो यहाँ पे, लेकिन जबरदस्ती उन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगा दी है कि यार आप यहाँ पे इंटीजर ही पुट कर सकते हो। तो दोनों केसेस में रिस्ट्रिक्शन आप पे लगती है, पिसते आप ही हो, या तो फंक्शन में कोई मसला है या जानबूझ के रिस्ट्रिक्शन लगाई जा रही है। आपको दोनों बातों को फॉलो करना है, ठीक है? तो यहाँ पे आपने फॉलो क्या करना है कि इंटीजर होना चाहिए जो भी आप पुट करो, और 3/4 इंटीजर नहीं है। तो आप ये मेंशन कर दो, सिंस 3/4 डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर, ये सिंबल डज नॉट बिलोंग है कि इंटीजर से बिलोंग नहीं करता, देयरफॉर f(3/4) इज अनडिफाइंड। ये अनडिफाइंड है, ठीक है? ये वो अनडिफाइन नहीं है जो आपने पहले पढ़ा था, 0 वाला, मतलब दोनों के सेम है, उसको भी डिफाइन नहीं कर सकते थे, वजह वहां पे कुछ और थी, और इसको डिफाइन नहीं कर सकते, यहाँ भी वजह क्या है कि आपने इंटीजर ही पुट करना है। बस यही सवाल में था, बाकी तो बस बच्चों वाली चीजें। आखिरी पार्ट में लिखा हुआ है f(-2), तो आप फंक्शन के अंदर पुट कर दो -2, -2 एक इंटीजर होता है, तो ये हो जाएगा -2³। -2³ बच्चों होता है -8, -8+1 -7 होता है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। सर जी, ये वाली चीजें एमसीक्यूज में आ जाती हैं। हाँ, ये एमसीक्यूज लेवल की हैं। इनफैक्ट ये 2016 में, मैं वो बदनसीब इंसान हूँ, 2016 का अगर आप पास पेपर उठाओ तो इस टाइप के एमसीक्यूज आ चुका है, क्योंकि उस जमाने में, अब तो आप लोगों की बुक चेंज हुई है तो जो नॉर्मली टीचर्स हैं वो अब कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों को कॉन्सेप्ट भी क्लियर करें, वरना आज से 3-4 साल पहले बहुत गंदा कल्चर बन गया था, खासतौर पर मैथ के अंदर भी मैं देखता था कि इंपॉर्टेंट्स करवाए जा रहे हैं, अभी भी शायद कोई इंपॉर्टेंट करवा रहा हो, तो हमें ये बात नहीं पता होती थी, ये नहीं हमें पता, हमें बस इतना पता था ये फंक्शन है, इसके अंदर पुट करना होता है आपने। तो कंसीडर कर लो, मेरे पास ये सवाल आया था, सवाल थोड़ा चेंज था, अगर आप 2016 का पास पेपर उठाओ ना, ये सवाल था, ये फंक्शन डिफाइन किया हुआ था, फंक्शन बहुत ही बच्चों वाला था, ये था फंक्शन, और आपको बोला हुआ था यहाँ पे f(-2) निकालो, तो मैंने यहाँ पे -2 पुट किया, आंसर 4 निकाला, ऑप्शन में 4 था, मैंने कहा यार बच्चों वाली बातें कर रहे हैं, बच्चों वाला आंसर है यहाँ पे। 2016 का पास पेपर उठाना, ये आपको सवाल मिल जाएगा, मैं 2016 में दिए थे, तो घर में आके जब मैंने आंसर देखा, वो बोर्ड की आंसर की आती थी, तो आंसर लिखा हुआ था अनडिफाइंड, मैंने कहा भाई मिस्टेक हो गई है ये, मतलब एक बेसिक 2 क्लास के बच्चे को भी बोलो वो भी कर लेगा, मुझे तो पता ही नहीं था हमारे साथ कहानी क्या हुई थी, हमें तो किसी ने बताया ही नहीं था इस चीज का मतलब क्या होता है। तो अगर आप इसमें देखो, यहाँ पे ये डोमेन है, कोई स्टूडेंट बता सकते हैं इस डोमेन का क्या मतलब है? एक्स की जगह या -1 आ सकते हैं या 5 आ सकते। 1 और 5 के दरमियान सकते हैं ना, तो स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब -1 और 5 दोनों शामिल है, और -1 से लेके 5 के दरमियान सब नंबर आ सकते हैं, ठीक है? ये बात मुझे नहीं पता थी, तो -2 तो इसके अंदर आते ही नहीं है, तो इसका आंसर होना चाहिए था अनडिफाइंड, तो मुझे नहीं पता था। तो ये चीजें एमसीक्यू लेवल की हैं, लेकिन ये कॉन्सेप्ट अगर आपको आएंगे तो आप आसानी से कर लोगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको गिवन किया है, आपको एक फंक्शन दे दी है f(x=x³, एक क्यूबिक फंक्शन है,
और आपको बोला गया कि आपने इन सब चीजों की वैल्यूज मालूम करनी है। अगर आप देखो ना पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री, पार्ट फोर, पार्ट फाइव, ये कोई ऐसे मुश्किल नहीं है। जैसे पार्ट वन टू थ्री में तो आपके पास कोई वैल्यूज हैं, आपने एक्स की जगह वो पुट करनी है, पुट कर लेना फंक्शन के अंदर, बच्चों वाली चीज है। पार्ट फोर पार्ट फाइव में आपको जनरलाइज वैल्यूज दिखी हुई है कि यार 5a आपने पुट करना है, इसी तरह पार्ट फाइव में ए अपॉन थ्री पुट करना, तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। फंक्शन आपका क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, तो अगर इसकी जगह आपने बिलफर्स पुट करना हो ए अपॉन थ्री पार्ट फाइव में जैसे लिखा हुआ है, तो एक्स की जगह पे ए अपॉन थ्री, तो यहाँ पे भी एक्स की जगह पे ए अपॉन थ्री पुट करना, और आपको क्या करना है, क्यूब करना है, ए का क्यूब ए क्यूब और थ्री का क्यूब 27, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो कैसे मुश्किल चीज नहीं है जो मैं आप लोगों को यहाँ पे करवाऊँ। इसी तरह पार्ट फाइव हो गया, पार्ट सिक्स हो गया, और पार्ट नंबर सेवन है, इसमें तकरीबन एक ही किस्म के आपको सवाल नजर आ रहे हैं। किस टाइप के, जिसमें मेन चीज ये निकालनी है आपको, एफ ऑफ ए प्लस एच, और कहीं लिखा होगा एफ ऑफ ए माइनस एच। पार्ट सिक्स में तो आपको निकालना यही है, पार्ट नंबर सेवन और पार्ट नंबर एट में देखो तो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए माइनस एच, असल में ये दो ही चीजें हैं, आपस में इनको सब्ट्रैक्ट करवाया हुआ है, तो अगर आप ये चीज निकालना सीख लो तो सब्ट्रैक्ट करवाना आपके लिए ऐसा मुश्किल नहीं है। और यही काम आपने क्वेश्चन नंबर फाइव के अंदर भी करना है, तो मैं क्वेश्चन नंबर फाइव सही तरीके से करवा दूंगा, इसका मैं आपको आइडिया दे, ठीक है। बिलफर्ज अगर आपको ये चीज मालूम करनी है, तो आप एक्स की जगह पे आपको क्या पुट करना है, ए प्लस एच पुट करना है, तो यहाँ पे भी एक्स की जगह ए प्लस एच पुट कर देना, ठीक है। उसके बाद सॉल्व कर लेना, वो जो आपने ए प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला पढ़ा होगा, क्या फॉर्मूला था, ए क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर बी, बी यहाँ पे एच के बराबर है, फिर होगा थ्री ए बी स्क्वायर, फिर एंड पे हो जाएगा बी क्यूब, बी यहाँ पे एच है, तो ये आपके पास सिचुएशन बन जाएगी। इसी तरह अगर आप इसको सॉल्व करोगे एफ ऑफ ए माइनस एच, तो बस फर्क ये होगा कि साइन अब चेंज होंगे, पहले पॉजिटिव था अब यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, अब यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, जब आपके फॉर्मूले में माइनस आ जाए ना, तो साइन आपके ऑल्टरनेट हो जाते हैं, ऑल्टरनेट का मतलब पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, सेम टर्म्स वही रहेंगी, बस साइन का फर्क पड़ेगा, ठीक है। तो पार्ट नंबर सिक्स में तो आपको यही काम करना था, पार्ट नंबर सेवन में आपको क्या करना है, इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है, तो इस वाली चीज को माइनस करना है आपने इससे, तो जब आप माइनस करोगे तो ये ए क्यूब कैंसिल हो जाएंगे, अच्छा ये चीजें आपस में कैंसिल हो जाएंगी, देख लेना इसको, माइनस कर लेना, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, मैं क्वेश्चन नंबर फाइव में भी ये काम करवाऊंगा, और पार्ट नंबर एट में भी इन दोनों को माइनस करना है, तो कोई नई चीज नहीं है क्वेश्चन नंबर फोर में जो मैं आप लोगों को करवाऊं, फाइव में करवा देता हूं, आप लोगों को कॉन्सेप्ट सारा क्लियर हो जाएगा। अच्छा जी, फाइव में आपके एक फंक्शन दिया हुआ है, अच्छा अच्छी बात क्या है कि फंक्शन की डोमेन भी रियल नंबर है और फंक्शन की कोडोमेन भी रियल नंबर है, तो जब डोमेन और कोडोमेन रियल नंबर हो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, सब चीजें आप पुट कर सकते हो कोई भी रियल, और फंक्शन आपको क्या गिवन है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब इसमें पार्ट वन देखो और पार्ट नंबर टू देखो, सेम ही किस्म के सवाल लग रहे हैं, लेकिन मैं आप लोगों को पार्ट वन करवा देता हूँ, उसमें फाइव आ रहा है तो शायद थोड़ी चेंजिंग उसके अंदर, तो क्वेश्चन नंबर फाइव का पार्ट नंबर वन करना क्या, आपको वैल्यू निकालनी है एफ ऑफ प्लस एच माइनस एफ ऑफ फाइव डिवाइडेड बाय एच, इसकी आपको वैल्यू निकालनी है कि ये चीज किसके बराबर है, ठीक है। चलिए तो जरा सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, सॉल्यूशन आप किस तरीके से करोगे, आपको सबसे पहले दो चीजें पता होनी चाहिए, या तो आप डायरेक्ट इसमें पुट करके सॉल्व कर लो, या बेहतर है पहले ये जो न्यूमरेटर है ना इन दोनों टर्म्स को अलग अलग मालूम कर लो, फिर इसके अंदर पुट कर लेना। तो जैसे सबसे पहले आपको मालूम करना है फंक्शन आपके पास गिवन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, आपने क्या मालूम करना है एफ ऑफ फाइव प्लस एच, मतलब आपने x की जगह पे क्या पुट करना है, 5 प्लस एच, मैंने x की जगह पे 5 प्लस एच पुट कर दिया, यहाँ पे भी मुझे x की जगह 5 प्लस एच पुट करना है। अच्छा जी, जरा इसको सॉल्व करते हैं, ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओ, तो ये आपके पास तीन टर्म्स आ जाएंगे, तो ये आपके पास क्या आया एफ ऑफ 5 प्लस एच, उसके बाद आपको क्या निकालना है एफ ऑफ 5, जरा एफ ऑफ 5 भी निकाल लेते हैं, यहाँ पे एक्स की जगह पे 5 पुट करो, सॉल्व करो, आंसर क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा। आपने एफ ऑफ फाइव भी निकाल लिया, आपने एफ ऑफ फाइव प्लस एच भी निकाल लिया, अब वक्त आ गया कि आप इसमें पुट करो और इसकी जरा वैल्यू निकालो, तो एक्सप्रेशन क्या लिखी हुई है, एफ ऑफ फाइव प्लस एच माइनस एफ ऑफ फाइव डिवाइडेड बाय एच, जरा सॉल्व करो इसको, एफ ऑफ फाइव प्लस एच आया 25 प्लस 10h प्लस एच स्क्वायर माइनस एफ ऑफ फाइव, एफ ऑफ फाइव क्या है 25 के बराबर, डिवाइडेड बाय डिवाइड कर दिया,
25 और -25 ही कैंसिल हो जाएंगे, पीछे बचेगा एच स्क्वायर प्लस 10h। ठीक है, तो आप यहां पे एक एक्स्ट्रा काम क्या करो कि न्यूमरेटर से ना आप h कॉमन ले लो। तो जब आप h कॉमन लोगे, पहली टर्म में से h बचेगा और दूसरी में से 10 बच जाएगा, और वो जो h कॉमन लिया है उसको आप कैंसिल कर दो। तो सिंप्लीफाई होके जो आपका आंसर था एफ ऑफ 5 + h माइनस एफ ऑफ 5 / h का क्या आ जाएगा, h + 10। इस तरीके से आपने इन सवालों को सॉल्व करना है, ये आपका फाइनल आंसर है। सिंप्लीफाई करना होता है बस आपको, वो आपने कर दिया। सही है, पार्ट नंबर 2b इसी पैटर्न पे आप लोग कर लेना। अच्छा, उन्होंने मेंशन किया है साथ इन दोनों पार्ट में कि h नॉट इक्वल टू 0, तो वही आपको बताना चाह रहे हैं कि डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ। 6 में बोला गया था डोमेन ऑफ द फंक्शन, आपको फंक्शन एक दे दिया गया है और आपको फंक्शन की डोमेन मतलब इनपुट दे दिया गया है, और आपको बोला हुआ फाइंड इट्स रेंज। ये सवाल मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल में करवाया था। सिंपल करने का तरीका क्या है कि जो इनपुट का पूरा सेट आपको दिया है ना, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये आपने बारी बारी फंक्शन के अंदर पुट करना है। सबसे पहले आप 0 पुट करना, आंसर आपको 1 मिलेगा। फिर आप 1 पुट करना, आंसर आपको 6 मिलेगा। फिर आप 2 पुट करना, आंसर आपको 11 मिलेगा। करते करते पांचों वैल्यूज आपने फंक्शन के अंदर पुट करनी है, जो 5 आपको आंसर मिलेंगे वो आपकी रेंज होगी, आउटपुट होगा। तो उन पांचों आंसर को आप एक सेट के अंदर लिखना, वो सेट आपका क्या कहलाया जाएगा, रेंज। एग्जाम्पल में भी हमने सवाल देखे थे काफी। क्वेश्चन नंबर 7 पे आओ, लिखा हुआ है फाइंड द डोमेन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। तो जरा डोमेन निकालते हैं, जो मुश्किल फंक्शन है उसको देखते हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 का बच्चों सबसे पहला पार्ट जो है ना, ये एमसीक्यू लेवल का है, पेपर में नहीं आया क्योंकि बहुत ईजी है। सवाल क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3। याद रखना, मैंने पहले भी बताया था, जो भी पॉलिनोमियल फंक्शन है, एक्स क्यूब प्लस 2x² x⁴ + x³ + 2x² जो भी पॉलिनोमियल फंक्शन है, उनकी डोमेन सब रियल नंबर होती है, क्योंकि पॉलिनोमियल फंक्शन में आप कोई भी वैल्यू पुट कर दो, कोई वैल्यू उनको मसला नहीं करेगी, कोई वैल्यू उस फंक्शन को कोई अनडिफाइंड या कोई इमेजिनरी कुछ भी नहीं कर सकती, आप कुछ भी यहाँ पे पुट कर सकते हो। तो इन फंक्शन की डोमेन हमेशा क्या होती है, रियल नंबर होती है। डोमेन सब क्या हो जाएगी, रियल नंबर। तो ये एमसीक्यू लेवल का सवाल है, देख लेना। इसी तरह पार्ट नंबर 2 में जो सवाल लिखा हुआ है वो स्क्वायर रूट है। में सवाल बहुत दफा करवाया, एग्जैक्ट यही एग्जाम्पल थी मेरे में। इसमें आप क्या करोगे, कोई स्टूडेंट बता सकता है पार्ट 2 में क्या करेंगे? ओ, इतना मुश्किल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट 2। एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू -3। हाँ जी, तुमने सॉल्यूशन बता दिया सिंपल। करोगे किस तरीके से, जो स्क्वायर रूट के अंदर लिखा हुआ है ना x + 3, इसको ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 रख लेना, जैसे मैंने कल बताया था। फिर 3 को उधर ले जाना, आंसर क्या आ जाएगा, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -3। और इसके लिखने के मैंने डिफरेंट तरीके आप लोगों को बताए थे कि x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -3 भी लिख सकते हो, या वो ब्रैकेट वाली फॉर्म में भी लिख सकते हो कि स्क्वायर ब्रैकेट -3, ∞, मतलब -3 से ग्रेटर, मतलब -3, ∞, और इन्फिनिटी पे राउंड ब्रैकेट लगा दोगे, उस तरह भी सॉल्यूशन लिख सकते हो। अच्छा जी, सेम पार्ट नंबर 4 भी है। अगर आप देखो पार्ट नंबर 4 में स्क्वायर रूट के अंदर क्या लिखा हुआ है, x - 5 लिखा हुआ। तो आप x - 5 को ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 रखना, वहां से आपके पास आंसर आ जाएगा x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। तो ये वही सवाल है जो एग्जाम्पल हम देख चुके थे, इनको दोबारा करने की जरूरत नहीं है। पार्ट नंबर 3 जो है, देखो 1/x है, तो ये रैशनल फंक्शन है। मैंने कल भी बताया था रैशनल फंक्शन क्या होता है, जो फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा होता है, और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों पॉलिनोमियल होते हैं। पार्ट नंबर 3 में कोई नंबर मसला कर सकता है इस फंक्शन को? तो जीरो ऐसा नंबर, सिंपल इसका आंसर क्या है, 0। 0 अगर आप x की जगह पुट करोगे तो आपके पास फ्रैक्शन अनडिफाइंड हो जाएगी, क्योंकि जब आप x की जगह 0 पुट करोगे तो 1/0 आ जाएगा, अनडिफाइंड फॉर्म है, लास्ट क्लास में ये बताया था। तो इसकी डोमेन क्या होगी, सब रियल नंबर -0। जैसे मैंने कल एक नोटेशन बताई थी ना कि रियल नंबर लिखना माइनस एक सेट बनाना जिसके अंदर 0 लिखा हुआ, कि भाई कोई भी रियल नंबर आप पुट कर सकते हो, लेकिन आप 0 नहीं पुट कर सकते यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से भी आप कर सकते हो, या बुक वाली नोटेशन मैंने कल आप लोगों को बताई थी कि वो सेट बिल्डर फॉर्म थी, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, इस तरह भी आप लिख सकते हो। दोनों तरीके से इसका आप आंसर लिख सकते हो। पार्ट नंबर 5 में भी अगेन, चलो पार्ट नंबर 5 में बता देता हूँ, वो भी बहुत ही बच्चों वाला है। कल ये सब मैं बातें आप लोगों को बता चुका हूँ, x + 1 x - 2। मैंने बताया था जो डिनोमिनेटर है ना रैशनल फंक्शन का, वो 0 नहीं हो सकता। तो
तो आप क्या करोगे, आप x माइनस टू को जीरो के बराबर रख के चेक करोगे किस वैल्यू पे जीरो आ रहा है। x इज इक्वल टू टू पे आपका डिनोमिनेटर जो है वो जीरो आ रहा है। तो जब आप इसकी डोमेन लिखोगे तो आप क्या करोगे, आप रियल नंबर में से टू को निकाल दोगे, ठीक है, ये इसकी डोमेन बन जाएगी। जो नंबर मसला कर रहा है उसको आप निकाल दो। अच्छा, एमसीक्यूज में जाहिर सी बातें सवाल आएंगे, तो एमसीक्यूज में इस नोटेशन में भी आ सकता है या वो जो बुक की नोटेशन है उसमें भी आ सकता है। तो आप लोगों को दोनों पता होनी चाहिए, स्पेशली ये बुक वाली तो पता होनी चाहिए, चांसेस होते हैं कि बुक वाली वो ज्यादा देंगे। बुक में आप इस तरह लिख सकते हो नोटेशन में कि एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, अब कौन सा नंबर मसला कर रहे हैं, एंड एक्स नॉट इक्वल टू टू, टू नहीं आप हो सकता एक्स, बाकी कोई भी रियल नंबर हो जाएगा टू नहीं होगा बस, वरना फिर आपका डिनोमिनेटर जो है वो जीरो हो जाएगा। सेम काम आपने पार्ट नंबर सिक्स के अंदर भी करना है। पार्ट नंबर सिक्स में फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस नाइन। अगेन आप क्या करो, डिनोमिनेटर को जीरो के बराबर रख के चेक करो, यहाँ पे आपका डिनोमिनेटर जीरो हो रहा है, मैं दोनों तरफ स्क्वायर रूट लूंगा, यहाँ पे प्लस माइनस आएगा, और नाइन का स्क्वायर रूट क्या होता है बच्चों, थ्री के बराबर होता है। मतलब इसका पहला स्टेप क्या होगा कि आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट लोगे, ठीक है, जब हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेते हैं तो बाय डिफॉल्ट प्लस माइनस लगाते हैं, ठीक है, ये हो जाएगा एक्स सिंपल एक्स के बराबर हो जाएगा और रूट नाइन जो है ये थ्री के बराबर हो जाएगा, ठीक है। नॉर्मली टीचर्स और स्टूडेंट इसको इस तरह समझते हैं, इस इक्वेशन के बाद ना वो स्टेप्स ऐसे लिखते हैं और फिर वो ये लिखते हैं, तो ये बात ही गलत है। आंसर आपका ठीक है, प्लस माइनस थ्री आ रहा है, लेकिन लिखने का तरीका गलत है। क्यों? क्योंकि इस सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि रूट नाइन का आंसर है प्लस माइनस थ्री, जबकि मैंने आप लोगों को बताया रूट नाइन का आंसर थ्री ही होता है। ये आप बाय डिफॉल्ट जब स्क्वायर रूट लेते हो ना तो आप अपनी तरफ से प्लस माइनस लगाते हो, रूट नाइन का आंसर थ्री के बराबर ही है, ये प्लस माइनस आपने अपनी तरफ से लगाया है, ठीक है। तो इन दोनों चीजों में फर्क समझना, आंसर आपको दोनों में प्लस माइनस थ्री मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे कॉन्सेप्ट की खराबी है, लेकिन यहाँ पे प्रॉपर इसका सॉल्यूशन है कि जब भी आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेते हो तो राइट हैंड साइड पे आपको हमेशा क्या करना होता है, प्लस माइनस लगाना होता है, उसके बाद जो भी वैल्यू है उसका आप स्क्वायर रूट ले रहे होते। ये सारे कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को चैप्टर वन टू में डिस्कस कर चुका हूं। अच्छा जी, तो यहां पे आपने एक बात ऑब्जर्व की कि ये वो दो वैल्यूज हैं, जब आप डिनोमिनेटर में पुट करोगे तो आपका डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा। आप यहाँ पे थ्री पुट करोगे, थ्री का स्क्वायर नाइन, नाइन माइनस नाइन जीरो। आप यहाँ पे माइनस थ्री पुट करोगे तब भी आपका डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो आपको क्या करना होगा, आपको इन दो वैल्यूज को निकालना पड़ेगा। तो आप लिखोगे एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड एक्स इज नॉट इक्वल टू थ्री और माइनस थ्री। मैं थोड़ा नीचे लिख देता हूं कि एक्स बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से, लेकिन एक्स थ्री और माइनस थ्री के बराबर नहीं हो सकता। ये एक लाइन में पूरा आप लिखोगे। बाय द वे, ये मैथ के अंदर ना एक एंड की भी एक नोटेशन होती है, ये जो एंड लिखा हुआ है ना इसकी नोटेशन ये होती है। तो अगर कहीं आप इस एंड की जगह पे देखो, अगर ये चीज लिखी हुई हो इस तरीके से, तो समझ जाना इसका मतलब एंड होता है, इसका मतलब एंड और इसका मतलब और, ये मैथ के सिंबल्स होते हैं, ठीक है। लेकिन आप लोगों की बुक में लिखा हुआ नहीं है, उन्होंने एंड ही लिखा हुआ, तो मैं भी एंड ही लिखवा रहा हूं, लेकिन एक्स्ट्रा नॉलेज के तौर पर आपको बता रहा हूं कि अगर ये सिंबल लिखा जाए तो इसका मतलब एंड माना जाता है, और ये सिंबल लिखा जाए इसका मतलब और माना जाता है, ठीक है। बहरहाल, तो क्वेश्चन नंबर सेवन के जितने छह पार्ट थे वो मैंने आप लोगों को डिटेल में बता दिए। कोई सवाल है तो यहाँ तक पूछ लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अच्छा जी, अब थोड़े क्वेश्चन जो है ना वो नहीं, इसके बाद से टफ होंगे। क्वेश्चन नंबर एट में लिखा हुआ है द डोमेन ऑफ द फंक्शन फाइंड द रेंज। भाई आपको ना फंक्शन की डोमेन दे दी गई है और दो पार्ट है, दोनों में अलग अलग फंक्शन है, तो अगेन वही काम करना है आपको। डोमेन के अंदर आपके पास पांच वैल्यूज हैं, तो पार्ट वन में आप बारी बारी ये पांच वैल्यूज पुट करोगे और जो आंसर आता जाएगा वो रेंज के सेट में लिखते जाना उसको। इसी तरह पार्ट नंबर टू में अगर आप देखो, तो पार्ट नंबर टू में अगेन ही पांच वैल्यूज पुट करना, जो आपके पास पांच आंसर आएंगे उसको एक सेट में लिखना, वो आपको रेंज मिल जाएगी। तो ये तो एज इट इज जो क्वेश्चन नंबर सिक्स था उसी टाइप का क्वेश्चन है। ये जो नाइन टेन इलेवन है ना, ये थोड़े टफ क्वेश्चन है, तो इसलिए आपने अपना दिमाग सारा ओपन करके इनको समझना है, आंखें भी ओपन करके देखना। क्वेश्चन नंबर नाइन में लिखा हुआ है फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन, क्योंकि रेंज वाले सवाल जो है ना वो थोड़ा मसला करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर नाइन, फंक्शन लिखा हुआ है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन, आपको बोला हुआ है कि आपने इसकी रेंज निकालनी है, ठीक है। अच्छा, अगर सवाल रेंज का हो ना, आप बेहतर है डोमेन भी निकाल लो, आसानी हो जाएगी ना, क्योंकि रेंज अगर आपको याद हो तो हम क्या कहते हैं
ऑब्जर्व करके निकाल रहे होते हैं। एक्चुअल तरीका मैंने आप लोगों को रेंज का नहीं बताया था, तो ऑब्जर्व करने के लिए बेहतर है डोमेन भी अगर आपको पता हो तो बेहतर चीज हो जाएगी। तो मैं काम करते हैं, पहले डोमेन निकाल लेते हैं इसके, ठीक है, आसानी के लिए डोमेन निकालते हैं। डोमेन निकालने के लिए क्या करते थे आप, जो डिनोमिनेटर है इसको आप रखते थे ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो के, और आप इसको सॉल्व करोगे। अच्छा मजे की बात है, अगर आप इसको सॉल्व करोगे ना तो आप फंसोगे सॉल्व करते हुए। फॉर एग्जाम्पल सिचुएशन बनेगी इसकी, अब जब आप इसको सॉल्व करने लगोगे ना तो यहाँ पे आपको जब स्क्वायर रूट लोगे तो ये चीज लगानी पड़ जाएगी आपको, इमेजिनरी बात चली जाएगी, ठीक है। अब इसको समझो ऐसा हो क्यों रहा है। देखो वजह यहाँ पे ये है कि ये जो स्टेटमेंट आपके सामने लिखी हुई है ना एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये हमेशा ग्रेटर देन जीरो होगी, ये हमेशा ग्रेटर देन जीरो होगी। ऐसी कोई वैल्यूज नहीं है जिस पे ये स्टेटमेंट आपकी नेगेटिव हो, नेगेटिव हो नहीं सकती ना, कैसे होगी भाई। एक्स स्क्वायर वन जो है ये तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा ना, यहाँ पे माइनस वन तो नहीं लिखा हुआ ना, ये तो पॉजिटिव वन है तो ये तो चीज नेगेटिव नहीं होगी। हाँ एक्स स्क्वायर नेगेटिव हो सकता है, लेकिन आपको पता है एक्स स्क्वायर कभी नेगेटिव होगा ही नहीं। एक्स के अंदर अगर आप कुछ यहाँ पे नेगेटिव पुट करोगे उसका स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, और अगर आप कुछ पॉजिटिव पुट करोगे तो भी उसका स्क्वायर पॉजिटिव रहेगा। इसका मतलब ये स्टेटमेंट जो है ये हर रियल नंबर के लिए ग्रेटर देन जीरो होगी, कोई भी ऐसा रियल नंबर नहीं है जो इसको नेगेटिव करेगा। रियल नंबर इसके क्या है, सॉल्यूशन है। तो यहां पे आप क्या लिखोगे, डोमेन यहां पे क्या होगी, मतलब आप कुछ भी एक्स यहां पे पुट कर दो स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आ सकता। हाँ अगर आप कुछ इमेजिनरी पुट करोगे तो फिर आपके पास नेगेटिव आ सकता है कुछ, वरना अगर आप रियल की बात करो तो रियल नंबर कोई भी पुट कर दो आपके पास यहाँ पे स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आ सकता। तो डोमेन इसकी रियल नंबर थी, डोमेन हमें निकालनी नहीं थी, असल में हमें रेंज निकालनी थी। तो अब जरा रेंज पे आते हैं। सबसे पहली बात जो हम हर सवाल में करते हैं, ठीक है, जो रेंज के सवाल थे जो मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल्स में बताए थे, मैंने सबसे पहली ऑब्जर्वेशन आप लोगों को बोली थी कि आप स्क्वायर रूट को देखो। सबसे पहली ऑब्जर्वेशन आपको क्या नजर आ रही है यहाँ पे, अगर मैं फंक्शन को इस तरह वाई की फॉर्म में लिखूं तो आप लोगों को क्या लग रहा है वाई की वैल्यू क्या हो सकती है? पॉजिटिव, वाई की वैल्यू पॉजिटिव होगी। सबसे पहली ऑब्जर्वेशन क्या है कि वाई कैन नेवर बी नेगेटिव, नेगेटिव नहीं हो सकता भाई ये। इसका मतलब ये हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा, ग्रेटर देन जीरो ही होगा। तो सबसे पहली बात रेंज जो है वो आपको पॉजिटिव ही कुछ मिलेगा। अब आपने देखना है कि पॉजिटिव सारे नंबर मिलेंगे या कुछ सिलेक्टिव पॉजिटिव नंबर आपको मिल रहे हैं। ये भी तो हो सकता है ना कि आपको वन से लेके फाइव तक पॉजिटिव नंबर मिले। आपने बोल तो दिया पॉजिटिव, लेकिन वो जस्ट वन और फाइव से लेके मिल रहे हैं आपको, सब पॉजिटिव नहीं मिल रहे। तो जरा हम इसको ऑब्जर्व करते हैं। आप यहाँ पे सबसे पहली बात, क्या जीरो आपको मिल सकता है, ये आप ऑब्जर्व करो। मैंने अगर आप लोगों को याद हो जो एग्जाम्पल्स करवाई थी उसमें सबसे पहले हम देखते थे कि आपको आंसर पॉजिटिव मिल रहा है नेगेटिव, ज्यादातर सवालों में आपको आंसर पॉजिटिव मिल रहा होता था। फिर दूसरे स्टेप पे आप देखते थे क्या जीरो आपको मिल रहा है, वो देखते हैं। क्वेश्चन बता सकते हैं कि इस पूरी चीज का आंसर जीरो हो सकता है क्या? नहीं सर। देखो रीजन उसकी ये है कि ये पूरी वैल्यू जीरो हो, पूरी वैल्यू को छोड़ दो ना, ये जो अगर एक्स स्क्वायर प्लस वन जीरो होगा स्क्वायर रूट भी जीरो हो जाएगा। तो सवाल ये है कि क्या एक्स स्क्वायर प्लस वन जीरो हो सकता है या नहीं? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता भाई? देखो यहां पे आप कुछ भी पुट करोगे पॉजिटिव ही रहेगा। समझो जरा बात को, प्लस वन ऑलरेडी मौजूद है, इसको जीरो करने के लिए आपको नेगेटिव वन चाहिए साथ, जीरो होगा ना, वरना तो जीरो नहीं हो सकता। इस प्लस वन को तो नहीं आप छेड़ सकते, तो अपनी जगह पे मौजूद है। हाँ एक्स स्क्वायर अगर माइनस वन के बराबर होगा तब ये पूरी चीज जीरो के बराबर होगी, लेकिन हम ये आराम से देख के बता सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस वन के बराबर हो ही नहीं सकता। एक्स स्क्वायर के रिजल्ट में हमेशा पॉजिटिव आंसर मिलेगा, इसका मतलब ये कभी भी जीरो के बराबर नहीं होगा। तो जीरो आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अभी तक आप किस कॉन्फ्यूजन पे पहुंचे हो, आपको पॉजिटिव वैल्यूज मिलेंगी, जीरो नहीं आपको मिलेगा, तो मतलब पॉजिटिव ही आपको मिलेंगी। लेकिन एक आखिरी बात यहाँ पे आप ऑब्जर्व करो, उसके बाद आपका सवाल कंप्लीट हो जाएगा कि अब जरा गौर से समझना इस बात को। एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये जो पूरी एक्सप्रेशन आपकी लिखी हुई है ना, ये एक्सप्रेशन हमेशा वन से ग्रेटर होगी, ये वन से कम हो ही नहीं सकती। दोबारा बोलता हूं, ये जो पूरी एक्सप्रेशन लिखी हुई है ना एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये हमेशा वन से ग्रेटर होगी, ये वन के बराबर होगी या वन से ग्रेटर होगी, वन से लेस हो ही नहीं सकती।
वन के बराबर कब होगी, जब मैं एक्स की जगह पे यहाँ पे जीरो पुट करूंगा, तो ये आंसर पूरा वन के बराबर होगा, मतलब एक्स स्क्वायर अगर जीरो हो गया तो ये चीज वन हो जाएगी। क्या ये चीज वन से कम हो सकती है? नहीं हो सकती वन से कम। क्यों? अगर आप यहाँ पे कोई नेगेटिव नंबर पुट करोगे, फॉर एग्जाम्पल आप कहते हो कि सर मैं यहाँ पे कुछ छोटा नेगेटिव पुट करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल -0.1 पुट करो, तो जब आप यहाँ पे -0.1 पुट करोगे उसका स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, और कुछ ना कुछ तो छोटा नंबर आ रहा होगा ना, उसको जब आप वन में ऐड करोगे वन से आंसर ग्रेटर आ रहा होगा। इसी तरह अगर आप कुछ पॉजिटिव वैल्यू पुट कर रहे हो, तब भी जब आप उसका स्क्वायर करोगे, उसको जब वन में ऐड करोगे तो आंसर वन से ग्रेटर आएगा। कहने का मतलब या तो आंसर वन के बराबर होगा या आपका आंसर वन से ग्रेटर होगा। वन से कम उस वक्त होता जब ये वैल्यू नेगेटिव आपको देती, ये वैल्यू तो हमेशा पॉजिटिव है, इसका मतलब वन के अंदर हमेशा कोई चीज ऐड होगी, सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकती। तो यहां पे हम इस नतीजे पे पहुंचे कि एक्स स्क्वायर प्लस वन हमेशा वन से ग्रेटर होगा, हमेशा वन से ग्रेटर होगा। ये कभी ऐसा नहीं हो सकता कि आपको वन से कम मिले, या तो वन होगा या वन से ग्रेटर होगा। ठीक है, तो अगर ये चीज वन या वन से ग्रेटर होगी तो सेम वाई की वैल्यू उसके लिए भी है कि अगर बिल्फर्ज एक्स की जगह आप जीरो पुट करोगे तो स्क्वायर रूट के अंदर क्या बचेगा, वन बचेगा, और वन का स्क्वायर रूट क्या होता है, वन के बराबर। ठीक है, उसके बाद आप जो भी एक्स पुट करो आंसर आपका वन से ग्रेटर होगा, कंसीडर कर लो आंसर है आपका 1.01, उसका जब आप स्क्वायर रूट लोगे तो वन से जीरो ही, मतलब वन से ज्यादा ही कोई आंसर आ रहा होगा, करके देख लेना। ठीक है, तो कहने का मतलब अगर एक्स स्क्वायर प्लस वन वन से ग्रेटर ही है तो उसका स्क्वायर रूट भी वन से ग्रेटर ही होगा। तो अब इस नतीजे पे हम पहुंचे हैं कि ये जो पूरी चीज जो है ना, ये हमेशा आपको क्या मिलेगा, ग्रेटर देन वन मिलेगा या वन के बराबर मिलेगा। ना आपका आंसर वन से कम होगा, ना आपका आंसर कभी नेगेटिव होगा। ठीक है, तो कंक्लूजन हमारा फाइनली क्या है कि y जो है ये हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू वन होगा। ये आपकी रेंज है, इसको लिखने का तरीका क्या हो सकता है, दो तरीके से आप लिख सकते हो, या तो आप ये चीज लिख दो कि y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू वन, या आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो वन से लेके इन्फिनिटी। ये नोटेशन भी मैंने कल आप लोगों को बताई थी कि वन इसमें शामिल है और वन से ग्रेटर सारे नंबर जो है वो आपको यहाँ पे मिलेंगे, वन से छोटा नंबर आपको इसके आंसर में, इसके आउटपुट में नहीं मिल सकता, चाहे आप कुछ भी इनपुट यहाँ पे कर दें। सही है, तो हम एक्स स्क्वायर प्लस वन ग्रेटर देन और इक्वल टू वन है तो इसका मतलब वाई भी ग्रेटर देन और इक्वल टू वन होगा, तो यहां से हमें रेंज मिल गई। अच्छा, अगर आप इसका बुक में आंसर देखो ना, मुझे जहां तक याद है बहुत फजूल आंसर लिखा है इसका, क्वेश्चन नंबर 9 8.1, अच्छा जी देखो 9 के आंसर में लिखा हुआ है कि y बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से, और ये चीज लिखी हुई है, आप यकीन मानो ये इनके जरा आंसर का लेवल देखो, ये आंसर लिखा हुआ है y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। ये बात सेंस बना रही है क्या? नहीं बना रही सेंस, लेकिन उन्होंने इस बात को खोल के बताया ही नहीं, जो मैं 2-3 सवाल करवाऊंगा सब में मिस्टेक उन्होंने की हुई है, उन्होंने बस बोला हुआ कि यार ये पॉजिटिव होगा या जीरो के बराबर होगा, उन्होंने स्पेसिफिक बात ही नहीं की। स्पेसिफिक अगर बात की जाए तो असल सॉल्यूशन ये है इसका, वन से ग्रेटर आपको मिलेगा या वन के बराबर होगा, जीरो के बराबर तो हो ही नहीं सकता, और जीरो से ग्रेटर भी नहीं होगा, क्योंकि जीरो से ग्रेटर तो 0.5 भी है, 0.2 भी है, 0.7 भी है, वो तो आपको आंसर नहीं मिल रहा। तो एक्चुअल इसका आंसर क्या, वन से ग्रेटर आपको सारे मिलेंगे या वन के बराबर मिलेंगे। तो ये इसका करेक्ट सॉल्यूशन है, बुक वालों ने जो भी किया हुआ उनको छोड़ो, प्रॉपर आपने इस तरीके से करना। तो इस सवाल की सबको समझ आई कि किस किस स्ट्रेटजी को देख देख के ऑब्जर्व करके हम आंसर पे आ रहे हैं? यस सर। चलिए, वैसे ये इतनी लंबी करनी पड़ती है, अगर नॉर्मल तरीका जो है ना वो इनवर्स फंक्शन निकाल के होता है उससे आंसर बड़ा आपका आ जाता है जल्दी, लेकिन वो मैं बताना इसलिए नहीं चाह रहा, बुक में डिस्कस नहीं है, कंफ्यूज हो जाओगे, ऑब्जर्व करके सीख लो आ जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 10 पे आप आ जाओ। इस सवाल में अगर आप डोमेन ना भी निकालो ना, आपको मना नहीं कर रहा, ठीक है आपकी मर्जी, आप डोमेन ना निकालो, यहाँ पे असल रेंज ही निकालनी थी, मैंने अत्यातन बोला था कि डोमेन निकाल लो, क्या जा रहा है आपका। क्वेश्चन नंबर 10 में आपके पास फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/1 + x² और इसके आंसर में आपको बताता हूँ, इसका मैं बहुत ही फजूल आंसर लिखा होगा, ये अपने पास ना आंसर ठीक करते जाना, ये ना बाद में आप लोग पूछो कुछ अर्से बाद, तो अभी से देख लो। बुक में इसका आंसर लिखा हुआ है कि रेंज इसकी है वही ग्रेटर देन जीरो, पॉजिटिव और जीरो, मतलब वही ये वाली रेंज कह रहे हैं वो लोग। अब जरा देखना ये आएगी नहीं, जरा करके देख लेंगे हम इसको, ठीक है। अच्छा जी, ये रेंज की बात करो, डोमेन तो नॉर्मल तरीके से निकालते हैं जिस तरह बुक में मेंशन है। अच्छा जी, डोमेन निकालने का तरीका क्या होगा, जैसे मैंने आप लोगों को बोला था कि आप मालूम करते हो
वो एक्स की वैल्यूज जो डिनोमिनेटर को जीरो कर दें। तो जरा हम निकालने की कोशिश करते हैं ऐसी एक्स वैल्यूज जो डिनोमिनेटर को जीरो कर दें। तो जरा आंसर निकालो माइनस वन, जब आप स्क्वायर रूट लोगे तो आंसर आएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट माइनस वन, जो कि बिलोंग करेगा इसको इमेजिनरी कह सकते हैं हम, इमेजिनरी नंबर से बिलोंग करेगा। लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं, हम रियल नंबर की बात कर रहे हैं। तो जरा इसको समझो, कहने का मतलब क्या है कि कोई भी ऐसा रियल नहीं है जो इस पूरी चीज को जीरो लाए, किसी भी रियल नंबर में ये हिम्मत नहीं है कि वो इस पूरी चीज को जीरो के बराबर कर दे। वही जो अभी मैंने बताया था, आप यहाँ पे पॉजिटिव पुट कर दो आंसर पॉजिटिव होगा, आप नेगेटिव पुट कर दो आंसर पॉजिटिव होगा, तो ये चीज कभी जीरो के बराबर हो ही नहीं सकती। इनफैक्ट ये हमेशा वन से ग्रेटर ही होगी, जीरो के बराबर तो छोड़ो वन से कम भी नहीं हो सकती है। तो दैट्स वाई इसकी डोमेन जो है वो सब रियल नंबर है। आप यहाँ पे कुछ भी रियल नंबर पुट कर दो कोई इशू नहीं है, सारे रियल नंबर इसकी डोमेन है। कोई पॉजिटिव नेगेटिव कोई नंबर इसके डिनोमिनेटर को जब जीरो नहीं कर रहा, उसका मतलब कुछ भी आप पुट कर दो यहाँ पे, तो इसकी डोमेन है। अगर आप बुक की नोटेशन में लिखोगे तो आप इसको इस तरह लिखना x such that x belongs to real number, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो that's it आप लिख दोगे सिंपल, real आपका आंसर है। सर जीरो भी तो आएगा ना इसमें? जीरो कैसे आएगा भाई जान, जीरो क्या मतलब? नहीं देखो सर, एक सेकंड बात सुनो, अभी हम निकाल लें डोमेन, डोमेन और रेंज को आमतौर पर बच्चे कंफ्यूज करते हैं। डोमेन के लिए ना आपको देखना पड़ता है कौन सी वैल्यूज मसला कर रही हैं, वो वैल्यूज जो इसके डिनोमिनेटर को जीरो कर दें। तो जरा मुझे बताओ कौन सी वैल्यूज इसके डिनोमिनेटर को जीरो कर रही हैं? कोई भी नहीं है। तो जो वैल्यूज मसला करती हैं उसको आप रियल नंबर में से निकालते हो। जब कोई भी वैल्यू मसला नहीं कर रही, इसका मतलब कुछ भी रियल यहां पे पुट कर लो, सभी इसकी डोमेन है। ओके सर। अच्छा अब आ जाओ रेंज के ऊपर, दोनों की अलग अलग स्ट्रेटेजी होती है। डोमेन में आप देखते हो मसला क्या कर रहा है उसको निकालते हो आप, जबकि रेंज में आप देखते हो कि आपको क्या आंसर मिल सकता है। दोनों में फर्क होता है, दोनों स्ट्रेटेजीज अलग होती हैं। ठीक है, अब जरा रेंज के ऊपर आते हैं। सबसे पहली ऑब्जर्वेशन जो यहां पे आपको नजर आने वाली है उसको जरा हम देखते हैं। पहली ऑब्जर्वेशन क्या है, सबसे पहले इसको वाई की फॉर्म में हम लिख लेते हैं। सबसे पहली ऑब्जर्वेशन है कि वाई जीरो के बराबर नहीं हो सकता। क्यों जीरो के बराबर नहीं हो सकता? अगर आपने इस पूरी फ्रैक्शन को जीरो करना है, अच्छा मुझे एक बात बताओ, आपकी अगर फ्रैक्शन है वो जीरो कब होती है? जब न्यूमरेटर में जीरो हो जाए। एक्सीलेंट भाई, जब आपका न्यूमरेटर जीरो हो जाए तो आपकी फ्रैक्शन जीरो होती है। कुछ भी हो जाए आपकी फ्रैक्शन जीरो नहीं हो सकती, वन हो जाएगी जीरो नहीं हो सकती आपकी फ्रैक्शन। तो आप ऑब्जर्व करो न्यूमरेटर आपको क्या है यहाँ पे, वन, जीरो कैसे हो सकता है? वन जीरो कभी भी नहीं हो सकता। तो यहां से आपने एक बात ऑब्जर्व की, ये पूरी चीज जो है आप यहाँ पे कुछ भी एक्सपुट कर दो, ये पूरी चीज जीरो नहीं हो सकती। इंपॉर्टेंट बात है, जीरो नहीं हो सकती है। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये पूरी चीज जो है ये हमेशा ग्रेटर देन जीरो होगी। क्यों भाई? यहां पे इस पूरी चीज का मतलब आप कुछ भी ऐसा एक्सपुट कर दो, क्या ये पूरी चीज नेगेटिव हो सकती है? नहीं नेगेटिव हो सकती। अगर आप इस पूरी चीज को गौर से ऑब्जर्व करो, ये नेगेटिव कब होगी? ये नेगेटिव उसी वक्त होती है ना जब कुछ ऐसा एक्सपुट करते हैं जिसका आंसर नेगेटिव होता। क्योंकि देखो ये भी पॉजिटिव, ये वाला वन भी पॉजिटिव, दरमियान में भी पॉजिटिव, सभी पॉजिटिव है, तो नेगेटिव कहां से आएगा? एक्स स्क्वायर। लेकिन एक्स स्क्वायर तो नेगेटिव आपको दे ही नहीं सकता, इसका मतलब इस पूरी फ्रैक्शन में कभी नेगेटिव आ ही नहीं सकता। हमेशा आपकी फ्रैक्शन क्या होगी? पॉजिटिव ही होगी। पहली बात आपने ऑब्जर्व की जीरो नहीं हो सकती, दूसरी बात आपने ऑब्जर्व की कि हमेशा पॉजिटिव होगी, कभी ये नेगेटिव नहीं हो सकती। तो दिखने में तो हमें लग रहा है कि यार ये इसकी रेंज है, बुक वालों ने ये चीज गलत लगाई है, लेकिन दिखने में हमें लग रहा है कि ये आंसर आना चाहिए कि पॉजिटिव सारे आपको आंसर मिलेंगे, मतलब सारे पॉजिटिव रियल नंबर कोई भी 5, 10, 15 कुछ भी आपको पॉजिटिव मिल सकते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा और क्लोज ऑब्जर्व करो ना, पॉजिटिव आपको नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? अच्छा पेपर में अगर यहां तक भी छोड़ दोगे आप, माना जाएगा आपका आंसर। मानना चाहिए नहीं, लेकिन बुक में लिखा हुआ है। अगर आप देखो बुक में जो एग्जाम्पल सॉल्व करवाई है वो तो एग्जाम्पल काफी ईजी है, लेकिन इसके आंसर में आपको ये चीज मिलेगी। बल्कि आंसर में तो खैर और मजीद खराब लिखा हुआ था, वो तो सेंस भी नहीं बन रही थी उसके। लेकिन अगर आपको ये भी आंसर मिलता है ना, ठीक है, अगर एमसीक्यूज में बात कर रहा हूँ, एमसीक्यूज में अगर ये आंसर नजर आ रहा है तो यही लिख देना भाई। आप लोगों के लेवल पे इसको खोल के नहीं बताया उन्होंने, लेकिन जो करेक्ट है ना, अगर आप इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे, मैंने ऐप बताई हुई है, इस ऐप में जरा ऐसे ग्राफ ड्रॉ करना, डेस्मॉस के नाम से ऐप है, ग्राफ ड्रॉ करना, इस टाइप का ग्राफ आपको मिलेगा। ड्रॉ किया था ये आपका ग्राफ, ये वैल्यू वन है,
आपका ग्राफ वन से ऊपर जा ही नहीं रहा, आप कह रहे हो सारे पॉजिटिव आंसर, तो भाई वन से ग्रेटर आपको कुछ मिलेगा ही नहीं यहाँ पे। पर ये बात आप यहां से ऑब्जर्व कर सकते हो कैसे, थोड़ी सी टेक्निक लगाओ यहाँ पे। वो ये है कि देखो ऊपर वाली चीज जो है वो हमेशा वन ही रहेगी, वन से हिलेगी तो नहीं, वो तो अपनी जगह पे रहेगी। नीचे वाला वन जो है ये भी अपनी जगह पे रहेगा। ये जो एक्स स्क्वायर है इसका आंसर कुछ ना कुछ आपको मिलेगा। अब बिलफर्ज आप एक्स के अंदर कोई भी छोटा से छोटा नंबर पुट कर, कंसिडर कर लो हम यहाँ पे 0.01 पुट करेंगे, तो जो उसका स्क्वायर होगा वो भी 0.001 कुछ आ रहा होगा। तो जब उस छोटे से नंबर को आप वन में ऐड करोगे तो कुछ ना कुछ वन से ग्रेटर ही नंबर आपके पास आ रहा होगा, कंसिडर कर लो 1.001। आप यहाँ पे कोई भी एक्स वैल्यू पुट कर लो, छोटी से छोटी वैल्यू भी आप पुट करोगे तो आपके पास आंसर कुछ पॉजिटिव आएगा। उसको वन में ऐड करोगे तो आंसर हमेशा आपका वन से ग्रेटर होगा। और याद रखना न्यूमिनेटर अगर आपका छोटा है और डिनोमिनेटर आपका बड़ा है तो हमेशा आपको आंसर जीरो में कुछ मिल रहा होगा, 0 point something मिल रहा होगा, करके देखना 0.9 something कुछ मिल रहा होगा आपको। ठीक है, आंसर आपको ग्रेटर वन से उस वक्त मिलेगा जब आपका न्यूमिनेटर बड़ा हो, आपका न्यूमिनेटर तो बेचारा फिक्स है। इसी तरह अगर आप कोई वैल्यूज पुट करते जाओ, आप 2 पुट करोगे यहाँ पे, 2 का स्क्वायर 4, 4 + 1 क्या होता है 5, डिनोमिनेटर में 5 आ जाएगा, 1/5 जो है वो 0.2 के बराबर होता है। कहने का मतलब ये है कि आपको आंसर वन से ग्रेटर नहीं मिल सकता यहाँ पे, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। वन आपको मिलेगा उस सिचुएशन में जब आप एक्स की जगह पे 0 पुट करोगे, यहाँ पे जब 0 पुट करोगे तो जस्ट 1 बचेगा, 1/1 जो है वो 1 के बराबर होता है। बाकी आपको आंसर कभी भी 1 से ग्रेटर मिल ही नहीं सकता, क्योंकि आप कुछ भी यहाँ पे पुट करोगे डिनोमिनेटर बड़ा हो जाएगा, न्यूमिनेटर छोटा हो जाएगा, तो आपका आंसर 0 point something में चला जाएगा। ठीक है, तो अगर आप ऑब्जर्व करो आपका आंसर 1 और 0 के दरमियान फ्लक्चुएट करता जाएगा। आप एक्स जितना बढ़ाते जाओगे आपका आंसर 0 के क्लोज होता जाएगा। अगर एक्स मैं यहाँ पे 5 पुट करूंगा, 5 का स्क्वायर 25, 25 + 1 = 26, ठीक है, 1/26 जीरो के करीब आ रहा होगा, तो आपका आंसर 1 और 0 के दरमियान ही रहेगा, ना 0 के बराबर होगा और 1 के बराबर होगा, मतलब 1 के बराबर होगा, बाकी वो 0 से ऊपर ही रहेगा हमेशा। ठीक है, तो 1 और 0 के दरमियान ही आपका आंसर फ्लक्चुएट करता जाएगा। तो अगर आप इसको सही तरह ऑब्जर्व करो तो आप इस नतीजे पे पहुंचोगे कि जो आपकी एक्चुअल रेंज आ रही है यहाँ पे वो पॉजिटिव तो है, मतलब हमेशा पॉजिटिव होगी, लेकिन एक्चुअल में ये रेंज है आपकी, ये बात कि 0 से स्टार्ट होगी, 0 उसमें शामिल नहीं है, मैंने बताया 0 आपको नहीं मिल सकता, 0 से ग्रेटर ही आपको कुछ मिलेगा। कहां तक? 1 तक। 1 से ग्रेटर आपको कुछ नहीं मिलेगा, 1 मिल सकता है, 1 से ग्रेटर आपको कुछ नहीं मिलेगा, और 0 और 1 के दरमियान ही आपको सारी रेंज मिलेगी यहाँ पे। ठीक है, तो बुक ने आंसर लिखा हुआ है, बल्कि बुक ने तो इक्वालिटी भी लिखी हुई है, जो कि टोटली गलत माना जाएगा। रेंज में आपको स्पेसिफिकली, क्योंकि आप ये कोर डोमेन नहीं बता रहे, आप रेंज बता रहे हो। अगर कोर डोमेन होता ना तो आप कहते थे भाई पॉजिटिव नंबर मिल रहा है आपको, लेकिन आपको रेंज बतानी है, रेंज में आपको एक्चुअल में वही बताना पड़ता है जो आपको आंसर मिलेगा, तो एक्चुअल में आपको यही आंसर मिलेंगे, इससे ग्रेटर आपको कोई आंसर मिल ही नहीं सकता। तो आपको कोर डोमेन नहीं, आपको रेंज बतानी है, तो एक्चुअल इसका ये आंसर होगा जो मैंने आप लोगों को बता दिया। ठीक है, लेकिन अगर कोई ये करवा रहा है तो समझ लेना वो बुक को फॉलो करवा रहा है, लेकिन कॉन्सेप्ट गलत है। वो आपको कोर डोमेन बता रहा है, वो आपको रेंज नहीं बता रहा, रेंज इसकी यही है। समझ आइए सब बच्चों को, या कंफ्यूज हो? समझ आ गई सर। चलो बेस्ट है, बाकी सवाल करते हैं इसी टाइप का, फिर तो बहुत ही बेसिक से सवाल है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। तो ये इसकी डोमेन हो जाएगी और ये इसकी रेंज है, ये करेक्ट तरीके। लेकिन बिलफर्ज अगर एमसीक्यूज में आ रहा है, आपको ये ऑप्शन नजर नहीं आ रहा, तो फिर आप देख लेना कि ये ऑप्शन नजर आ रहा होगा आपको, पॉजिटिव ये लिखा होगा या ये लिखा हुआ होगा। ठीक है, मुझे लगता नहीं एमसीक्यूज में भी वो मिस्टेक करेंगे, लेकिन यार कुछ पता नहीं है, बुक तो चेंज कर दी है, टीचर्स पेपर बनाने वाले तो वही रहेंगे ना सारे के सारे, कोई आइडिया नहीं क्या यहाँ पे कर सकते हैं कुछ। तो आप देख लेना कि जो आपको बेस्ट लग रहा है ना पॉजिटिव आंसर कौन सा है उसमें लिख देना, या तो वाई इज ग्रेटर देन जीरो होगा या वाई ये वाली चीज लिखी हुई होगी, देख लेना आप उसमें से। ठीक है, लेकिन अगर बिलफर्स को टाई आ जाए, फॉर एग्जाम्पल आपको ये ऑप्शन भी दे दें ये ऑप्शन भी दे दें, तो फिर तो यही लिखना ना यार, ये लाजमी, क्योंकि आपको पता है 0 के बराबर हो नहीं सकता ये। ठीक है, फिर तो अच्छा आंसर यही है इसका, मुझे लगता नहीं करेंगे, लेकिन मैं आप लोगों को बुरे के लिए तैयार कर रहा हूं। बेस्ट तरीके जो ऐप डाउनलोड कर लो, ये ऐप इतनी आसान है भी बहुत छोटी, 5 MB 4 MB की ऐप है, आप इसमें कोई भी फंक्शन पुट करोगे या आपको उसका ग्राफ बना देगा, तो बहुत अच्छा तरीका है समझने का, अभी से हैबिट बना लो आगे से के बहुत काम आएगा। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11, आखिरी क्वेश्चन है जो थोड़ा मसला करेगा,
11 में लिखा हुआ है आपको एक और फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 अपॉन स्क्वायर रूट 25 माइनस एक्स। इसकी आपको डोमेन और क्या दोनों बतानी है, सिर्फ डोमेन बतानी है, फाइंड द डोमेन दोनों बतानी है आपको। तो सबसे पहले बच्चों आ जाओ डोमेन मालूम करते हैं। अब डोमेन मालूम करने का तरीका यहाँ पे क्या होगा, अब देखो यहाँ पे जरा बात डिस्कस जो करने लगा जरा गौर से सुनना। यहाँ पे रैशनल और स्क्वायर रूट दोनों एक साथ आ गए, मतलब इसको आप रैशनल तो नहीं बोलोगे वैसे, क्योंकि रैशनल में शर्त ये होती है कि डिनोमिनेटर आपका और न्यूमिनेटर पॉलिनोमियल होना चाहिए। ये पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि रूट आ गया ना, तो अब इसको पॉलिनोमियल नहीं आप बोलोगे, लेकिन समझने के लिए आसानी के लिए बोल दो रैशनल क्या मसला है। असल बात है कि आपके पास फ्रैक्शन वाला फंक्शन भी आ गया कि जिसका डिनोमिनेटर है, आपको पता है डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो सकता, एक ये रिस्ट्रिक्शन है आपको। दूसरी रिस्ट्रिक्शन क्या है कि जो 25 माइनस एक्स है ये नेगेटिव नहीं हो सकता क्योंकि स्क्वायर रूट है। तो यहाँ पे दोनों रिस्ट्रिक्शन को आपने बैक वक्त सेटिस्फाई करवाना है। वो कैसे करवाओगे जरा इस बात को देखो आप लोग। आप यहाँ पे लिखोगे कि 25 माइनस एक्स ग्रेटर देन जीरो, जो एक्स इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहे हैं वो आपका आंसर है। नॉर्मली जब आपके पास अगर ये सवाल आता एफ ऑफ एक्स इक्वल टू रूट 25 माइनस एक्स, तो मैंने क्या तरीका बताया हुआ कि जो अंदर चीज लिखी हुई है इसको आपने रखना है ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, जो एक्स की वैल्यूज आ रही होंगी वो आपका सॉल्यूशन होगा। ठीक है, हम यहाँ पे जीरो को भी शामिल करते थे, इक्वालिटी लगा देते, लेकिन यहाँ पे हम शामिल नहीं करेंगे, कोई वजह बता सकता है? मतलब कि अभी जो स्क्वायर रूट की टर्म पहले तो जैसे ऊपर होती थी ना, अभी डिनोमिनेटर में आ गई, तो अब अगर ये चीज जीरो होगी ना, ये स्क्वायर रूट को मसला नहीं करेगी, भाई जीरो का स्क्वायर रूट तो जीरो होता है, ये मसला किसको करेगी, इस फ्रैक्शन को मसला करेगी। ठीक है, तो दैट्स व्हाई इसका बेहतर हल क्या है कि आप यहाँ पे जीरो को हटा दो, जीरो से ग्रेटर रखो, जीरो से ग्रेटर ना इस स्क्वायर रूट को मसला करेंगे ना इस फ्रैक्शन को मसला करेंगे, ये स्ट्रेटेजी है। ठीक है, तो अब जरा इसको सॉल्व करते हैं, माइनस एक्स को उधर ले जाओ पॉजिटिव हो जाएगा। अच्छा देखो, अब इनइक्वालिटीज में एक चीज का आपको ध्यान देना पड़ता है, जैसे इक्वेशन में अगर आपके पास ये चीज लिखी हुई हो तो आप नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हो, आप एक्स को उधर ले जाते हो और अपनी आसानी के लिए इसको इस तरह लिख देते हो, मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को आपस में स्वैप कर देते हो, इक्वेशन में इतना मसला नहीं होता, लेकिन ये जो इनइक्वालिटीज होती है ना इनमें मसला होता है। आपको देखना पड़ता है अगर आप लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को आपस में स्वैप कर रहे हो तो साइन भी चेंज करना पड़ेगा आपको, क्योंकि देखो अभी इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है, 25 ग्रेटर है एक्स के, अगर आप इस तरह लिख दोगे तो अब इसका मतलब क्या बनेगा, एक्स ग्रेटर है 25 के, गलत हो जाएगी पूरी। तो अगर आप लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को आपस में चेंज कर रहे हो ना, तो आपको इनइक्वालिटी का साइन भी चेंज करना पड़ेगा, इस बात का खास ध्यान रखना। ठीक है, तो अब ये स्टेटमेंट थी 25 ग्रेटर है एक्स से, एक ही बात है कि एक्स छोटा है 25 से, तो 25 ग्रेटर होगा एक्स से तो एक्स क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, तो ये प्रॉपर तरीका है इसके लिखने का। तो ये आपने इस इनइक्वालिटी को सॉल्व किया, आपके पास आंसर आ रहा है एक्स इज लेस देन 25, तो आपकी डोमेन क्या होगी, एक तो लिखने का तरीका ये है आप इस तरह भी लिख सकते हो, या मैं जो प्रेफर करूंगा आप इस तरह लिखना कि 25 से कम का मतलब क्या है, कंसीडर कर लो जीरो है ये, यहाँ पे 25 है, तो 25 शामिल है इसमें क्या, नहीं 25 नहीं आप पुट कर सकते, क्योंकि 25 पुट करोगे नीचे जीरो आ जाएगा। तो 25 पे ना मैं यहाँ पे एक इस टाइप का सर्कल बना रहा हूँ, ये कल मैंने आप लोगों को ये नोटेशन बताई थी नंबर लाइन वाली, कि नंबर लाइन पे भी आप इस सॉल्यूशन को लिख सकते हो, तो 25 शामिल नहीं है तो मैंने ओपन बना दिया, अगर शामिल होता तो मैं इसको फिल कर देता पूरा, और 25 से छोटे नंबर, 25 से छोटे सारे इधर होंगे, इधर 25 से ग्रेटर है, इधर 25 से छोटे हैं, तो 25 से छोटे सारे नंबर इसका सॉल्यूशन है। आप यहाँ पे 25 से छोटा कोई भी नंबर यहाँ पे पुट कर लो, कोई इशू नहीं है, 25 में पुट कर सकते हैं क्योंकि डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा, और 25 से ग्रेटर कुछ नहीं पुट कर सकते क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव आ जाएगा। तो इस तरह लिखो, या इस चीज को आप कैसे लिखोगे, इसको आप लिखोगे माइनस इनफिनिटी से लेके 25 तक, और देखो 25 पे भी मैंने राउंड ब्रैकेट बनाई है कि भाई माइनस इनफिनिटी से कोई भी नंबर पुट करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ अप टू 25, 25 भी पुट नहीं कर सकते तभी मैंने राउंड ब्रैकेट लगा दिए। तो इस तरह भी लिख सकते हो, इस तरह भी लिख सकते हो, एक ही बात है, या इसको इस तरह भी लिख सकते हो बुक के नोटेशन में कि x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड x इज लेस देन 25, इस तरह लिख दो, मतलब ये जो स्टेटमेंट थी ना इसको थोड़ा मजीद डिफाइन कर दो कि x इसमें बिलोंग कर रहा है रियल नंबर के, जबकि इस स्टेटमेंट में आपको रियल नंबर की बताने की जरूरत नहीं है, इस नोटेशन का खुद ही मतलब ये होता है कि रियल ही बात की जा रही है। इसको अगर खाली लिखे हो ना तो बेहतर है साथ रियल भी लगा दो कि एक्स रियल है
और लेस देन 25, ये इसकी डोमेन हो जाएगी। अब आ जाओ रेंज के ऊपर। रेंज हमें नॉर्मली मसला करती है, लेकिन इन सवालों में मसला नहीं करेगी, सवाल थोड़ा इजी है समझने के लिए। अगेन बच्चों, सबसे पहली ऑब्जर्वेशन आप ये देखोगे, जो आपका फंक्शन है ना, ये नेगेटिव नहीं हो सकता। अब नेगेटिव क्यों नहीं हो सकता, देखो न्यूमरेटर कभी नेगेटिव नहीं होगा, वन तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, और ये जो डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट कभी नेगेटिव नहीं होगा। इसका मतलब ओवरऑल अगर आप देखो तो वाई कैन नेवर बी नेगेटिव, वाई कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है। अब दूसरा हल क्या है, क्या वाई जीरो के बराबर हो सकता है? नहीं हो सकता, तो हम ये भी लिख देते हैं कि वाई जीरो के बराबर भी नहीं हो सकता। अगेन वही बात, जीरो के बराबर उस वक्त होगा ना जब इसका न्यूमरेटर जीरो होगा, न्यूमरेटर जीरो हो ही नहीं सकता, उसका मतलब वाई जीरो के बराबर नहीं होगा। तो अब आखिरी पॉसिबिलिटी क्या बची है, कि वाई हमेशा ग्रेटर देन जीरो होगा, ठीक है, यही पॉसिबिलिटी बची है, वाई हमेशा ग्रेटर देन जीरो होगा, क्योंकि नेगेटिव नहीं हो सकता, जीरो नहीं हो सकता, तो फिर क्या पॉसिबिलिटी बची है, पॉजिटिव होगा। अब हम देखेंगे कि सारे पॉजिटिव नंबर हमें मिल रहे हैं, चेक करते हैं। आप यहाँ पे x की जगह पे क्या पुट करोगे, 25 से कम, तो बिलफर्ज आप इस फंक्शन में ना जब x की जगह पे 24 पुट करोगे, मतलब 25 से कम कुछ आपको पुट करना है ना, तो 25 से कम कंसीडर कर लो, हमने 24 लिया, तो 25 माइनस 24 क्या होगा, 1 के बराबर, 1 अपॉन 1 क्या होता है, 1, तो इतना आपको पता चला कि आपको 1 आंसर मिल गया, ठीक है। बिलफर्ज अगर आप यहाँ पे 23 पुट करोगे, 25 माइनस 23 क्या होता है, 2, ये हो जाएगा रूट टू, रूट टू होता है तकरीबन 1.4, तो 1 को जब आप डिवाइड करोगे 1.4 से, मतलब डिनोमिनेटर में बड़ा नंबर है, तो आंसर आपको मिल रहा होगा पॉइंट में कुछ, 0. कर लेना 0.65 कुछ भी मिल रहा होगा आपको। इसी तरह बिलफर्ज अगर आप यहाँ पे पुट करोगे, कंसीडर कर लो 16, तो 25 माइनस 16 क्या होता है, 9 के बराबर, 9 का रूट 3, 1/3 क्या होता है, 0.3 के बराबर, 0.33 या 0.3 जो भी देख लेना है इसके बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप एक बात ऑब्जर्व कर रहे हो, वो बात क्या है कि आपको आंसर या तो 1 मिल रहा है जब आप 24 पुट करोगे, या 1 से आपको छोटे आंसर मिल रहे हैं। ये बात तो आपने ऑब्जर्व कर ली कि 1 से छोटे आपको कहां तक मिलेंगे, 0 तक, 0 नहीं मिलेगा, 0 से ऊपर और 1 तक आपको मिल रहा है, ठीक है। लेकिन ये आपकी थोड़ी अधूरी ऑब्जर्वेशन है, क्यों, क्योंकि आपने सबसे पहले यहाँ पे 24 पुट किया था, तो आपको आंसर 1 मिल रहा था। अगर आप 24 और 25 के दरमियान कोई नंबर पुट करोगे ना, तब आपको मजीद बात क्लियर होगी। बिलफर्ज है, मैं यहाँ पे 24.5 पुट करता हूँ, तो जब इसको माइनस करोगे ना, ये चीज क्या हो जाएगी, 0.5, और 0.5 का जब आप स्क्वायर रूट ही लोगे तो 0 में ही कुछ आंसर आ रहा होगा, और जब 1 को डिवाइड करोगे 0 से कुछ, तो आंसर आपका 1 से ग्रेटर आएगा। तो यहाँ पे ऑब्जर्व करो, 1 से ग्रेटर भी आपको आंसर मिलेंगे अगर आप 24 और 25 के दरमियान क्योंकि वैल्यू पुट करते हो ना एक्स की जगह पे, यहाँ पे तो आपको आंसर 1 से ग्रेटर मिल रहे होंगे। जितना आप नंबर 25 के करीब पुट करोगे उतना आंसर बड़ा मिलेगा। जैसे कंसीडर कर लो, मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ 24.9, 25 के बहुत करीब नंबर है ये, ठीक है। तो 25 माइनस 24.9 क्या होगा, 0.1, ठीक है। और जब 0.1 का स्क्वायर रूट लोगे तो एक छोटा नंबर ही आ रहा होगा, काफी 0. देख लेना कोई नंबर आ रहा हो, तो जब डिनोमिनेटर में जितना नंबर छोटा होता जाएगा, जब आप उसको 1 से डिवाइड करोगे, आंसर आपका उतना बड़ा होता जाएगा, क्योंकि जब डिनोमिनेटर आपका छोटा होता जा रहा है, आंसर आपका बड़ा होता जाएगा, सही। तो कहने का मतलब यहाँ पे आपको 1 से ग्रेटर भी सारे नंबर मिल रहे हैं और 1 से कम भी आपको मिल रहे हैं 0 तक। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये वाली बात बिल्कुल ठीक है, आपको यहाँ पे 0 से ग्रेटर सब नंबर मिल रहे होंगे, 0 से ग्रेटर 1 तक भी, और 1 से ग्रेटर भी आपको सब मिल रहे होंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये इसकी फाइनल रेंज है, आप नीचे मेंशन कर दो रेंज इसकी क्या होगी, 0 से लेके इन्फिनिटी, 0 शामिल नहीं है, 0 आपको नहीं मिलेगा, 0 से ग्रेटर अप टू सारे पॉजिटिव इन्फिनिटी तक आपको मिलेंगे। इस तरह भी लिख सकते हो, या इस तरह भी लिख सकते हो कि y such that y belongs to real number and y is greater than 0, ठीक है, y मतलब यहाँ पे जो आउटपुट है, इस तरह भी लिख सकते हो, इस तरह भी लिख सकते हो, ये आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपने ऑब्जर्व करना होगा पेपर में, थोड़ी सी बातें अगर आप देखोगे तो आपको थोड़ी समझ आ जाएंगी, पहली दफा जो कर रहे होगे मसला होगा आप लोगों को, लेकिन आप लोग बुक के आंसर कर लो बस, पेपर में आपको कोई हट के नहीं देंगे, ये बुक वाले आपको देंगे। तो अगर आपने बुक वाले समझ लिए ना इस लेवल पे, तो यही आपकी कामयाबी, जैसे लेवल बढ़ता जाएगा खुद भी करना सीख जाओगे। तो मुश्किल क्वेश्चन हमारे खत्म हो गए, अब कुछ बेसिक से क्वेश्चन है, कोई सवाल है यहाँ तक पूछ लो। सही है, अब थोड़ा बच्चों वाले सवाल। हाँ बोलो, बस ये बात थी जो अभी आपने बताया ना, इसमें ये था 1, 1 तो समझ आ रहा है, 1 और 1 से ग्रेटर आंसर आएगा,
लेकिन वो जो आपने बताया 0.6 0.63 वो कैसे आया था वो मैं शायद मिस कर मतलब वन से छोटे कैसे आएंगे ये कह रहे हो? जी 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 तो भाई तुम कैलकुलेटर निकालो अपना और ऑब्जर्व कर लो खुद ही। ये है 25 माइनस, देखो जब मैं 24 पुट करूंगा, डोमेन ने मुझे क्या बताया था? डोमेन ने बताया था 25 से छोटा कुछ भी पुट कर लो, तो जब मैं 24 पुट करूंगा तो आंसर मुझे 1 मिलेगा। तुम कैलकुलेटर निकालो और 24 से छोटा नंबर पुट करो, 23 पुट कर लो, 22 पुट कर लो, 21 पुट कर लो और देखो आंसर क्या आ रहा है, 0 पॉइंट आ रहा होगा कुछ। ठीक ठीक कैलकुलेटर से वेरीफाई कर लो, समझ आ जाएगी। मेरे पास तो कैलकुलेटर नहीं ना इसलिए मैं आइडिया लगा रहा था 0 पॉइंट कुछ आ रहा है। आप लोगों के पास कैलकुलेटर है चेक करो, खुद ही देख लो क्या आंसर आ रहा है। अच्छा आप जरा 12th पे आ जाओ, बहुत ही बेसिक सा सवाल है। एक 12th में आपको एक फंक्शन दिया हुआ उन्होंने f(x)=x+b, क्या बोला हुआ आपको? द इमेजेस ऑफ 1 और 5, मैंने बताया था इमेज को आउटपुट ही कहते हैं। इमेजेस ऑफ 1 और 5 का मतलब क्या है कि 1 और 5 जब आपने इनपुट किया था तो आउटपुट आपको क्या मिला है? -2 और 10। लिखा हुआ क्या है? द इमेजेस ऑफ 1 और 5 मतलब द आउटपुट ऑफ 1 और 5 आर -2 और 10। इसका मतलब इनपुट आपने किया था 1 और 5 और आउटपुट आपको मिला था -2 और 10। तो लिख लेते हैं इसको कि डोमेन आपने यहां पे क्या पुट की है, 1 और 5 और आउटपुट मतलब रेंज आपको क्या मिली थी यहां पे? 2 और 10। ये दो एलिमेंट आपको मिले थे। अच्छा करना क्या, सबसे पहले पार्ट 1 में लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, पार्ट 2 में बोला हुआ है, सही पार्ट 2 में थोड़ा चेंज कर दिए, पार्ट 1 में बोला हुआ है फाइंड वैल्यू ऑफ ए एंड बी, वो आपको कहने ए और बी की वैल्यू मालूम कर, ठीक है? ये जो फंक्शन में ए और बी आ रहे हैं इसको जरा मालूम करना है। ये पार्ट नंबर 1 है, कैसे निकालोगे? ठीक है, निकालने का तरीका क्या है? सवाल में आपको क्या बोला था कि जब हमने 1 पुट किया था, अगर चाहो तो मैपिंग डायग्राम भी बना सकते हो और अच्छा आइडिया होने, जब आपने 1 पुट किया था तो आंसर आपको मिला था -2 और जब 5 पुट किया था तो आंसर आपको मिला था 10। ये लिखा है ना, तो जरा ये लिखते हैं हम। आप क्या करो इस फंक्शन में x की जगह पे 1 पुट करो, यहां पे भी x की जगह पे 1 आ जाएगा। और सवाल में आपको क्या बोला कि जब आपने 1 पुट किया था फंक्शन के अंदर तो इस पूरी चीज का आंसर किसके बराबर आया था? -2 के बराबर आया था। तो जब मैंने x की जगह पे 1 पुट किया तो इस पूरी चीज का आंसर किसके बराबर आया? -2 के बराबर आया। तो इस जरा इक्वेशन को सिंप्लीफाई करो, ये हो जाएगी a+b = -2। इसको आप इक्वेशन 1 बोल दोगे। दोबारा बताता हूँ, ये जो फंक्शन है आपको बोला है कि जब आपने इनपुट 1 किया था ना तो आंसर आपको -2 मिला था, तो आपने x की जगह पे 1 पुट किया, यहाँ पे 1 पुट किया, ये चीज आई। इस पूरी चीज का आंसर क्या आया था 1 पुट करने के बाद? -2 आया था, तो मैंने -2 के बराबर रखा। तो आपके पास एक इक्वेशन आ रही है a+b = -2। इसी तरह आपको बोला है कि जब आपने 5 पुट किया था तो आंसर आपको क्या मिला था? 10। आप इस फंक्शन में x की जगह पे 5 पुट करो और आंसर आपको क्या मिला था? 10 मिला था। तो ये क्या हो जाएगा? 5a+b = 10। इसको आप बोल दो इक्वेशन नंबर। आपको निकालनी है यहाँ पे a और b की वैल्यू। तो सिंपल मैट्रिक का क्वेश्चन है ये, मैट्रिक लेवल में आप इन दो इक्वेशन को सॉल्व करते थे। कैसे? जस्ट सब्ट्रैक्ट करवा दो, b कैंसिल हो जाएगा, a की खुद ही वैल्यू आ जाएगी। आप क्या करो, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। तो सबसे पहले इक्वेशन नंबर 2 लिखते हैं हम। इक्वेशन नंबर 2 है 5a+b = 10 और इक्वेशन 1 क्या है? a+b = -2। आपने क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करवाना है, तो साइन चेंज होंगे, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, और ये नेगेटिव था अब पॉजिटिव हो जाएगा। 5a - a ये हो जाएगा 4a, b और -b है तो कैंसिल। 10+2 क्या होता है? 12 के बराबर। यहां से a निकालोगे, a की वैल्यू आ जाएगी 3। ठीक है, पेपर में आप लोग नीचे ही लिखना, मैं साइड पे लिख रहा हूँ। जो a की वैल्यू आई है, इजी इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1 है। इक्वेशन नंबर 1 के अंदर आप पुट कर दो a की वैल्यू, तो यहाँ पे a की जगह आप पुट कर दो 3। इक्वेशन थी ना, इसमें a की जगह आपने 3 पुट कर दिया, सॉल्व करो, b को उधर ले जाओ, b की वैल्यू आपके पास -5 आ रही होगी। तो ये आपका पार्ट 1 है, आपने a और b की वैल्यू निकालनी है। पार्ट नंबर 2 में आपको बोला हुआ है द डोमेन ऑफ फंक्शन, आपको रेंज निकालनी है। यही फंक्शन है, आपको डोमेन दी गई है और आपको रेंज निकालनी है। तो सिंपल लैंग्वेज में बच्चों, ये फंक्शन कैसे आया? जब आप पार्ट 1 में आपने a और b निकाल ली, तो अब इस फंक्शन को आप कैसे लिख सकते हो? ये फंक्शन क्या बना है? अब a x था ना, a की वैल्यू क्या है? 3, तो a की जगह 3 पुट कर दो और b क्या है? -5। तो सिंपल आपका फंक्शन क्या है? 3x - 5, क्योंकि अब आपने a और b निकाल लिए ना। तो अब पार्ट नंबर 2 में आपको डोमेन दी गई है
अब देखो अगर आप ऑल टुगेदर देखो ना, तो यहाँ पे आपने डोमेन शुरू में आपको कंडीशन दी गई थी कि जब मैंने वन पुट किया था तो ये आंसर आया था, फाइव पुट किया था तो ये आंसर आया था, वो इसलिए दिया था ताकि आप ए और बी की वैल्यू निकाल लो, ठीक है। जब आपने ए और बी निकाल लिया तो अब आप जरा दोबारा पुट करो और आप देखना आपका आंसर वेरीफाई हो रहा होगा। जब वन पुट करोगे तो देखना माइनस टू आ रहा होगा, फाइव पुट करोगे तो देखना टेन आ रहा होगा, यहाँ से भी आप वेरीफाई कर सकते हो। तो ये डोमेन है, आपको रेंज निकालनी है। आप इसमें एक्स की जगह सबसे पहले वन पुट करो, एक्स की जगह वन पुट किया, देखो आंसर माइनस टू आ रहा है, तो इसका मतलब हमने फंक्शन सही बनाया है। फिर आप थ्री पुट करो एक्स की जगह पे, ठीक है, ये हो जाएगा नाइन, नाइन माइनस फाइव फोर के बराबर। और फिर आप फाइव पुट करो इस फंक्शन में एक्स की जगह पे, ये हो जाएगा फिफ्टीन, फिफ्टीन माइनस फाइव टेन, तो देखो वेरीफाई हो रहा है, फाइव जब पुट किया तो टेन आ रहा है, ठीक है। तो अब आप रेंज लिख सकते हो, रेंज आपकी यहाँ पे क्या है, माइनस टू फोर टेन, सही है। माइनस टू और टेन तो हमें ऑलरेडी पता थी, अब उन्होंने मजीद एक और डोमेन आपकी बढ़ाई थी कि थ्री पुट करो, थ्री पे आंसर आपको फोर मिल रहा है। पेपर में ज्यादा भी दे सकते हैं आपको, मे बी डोमेन वन थ्री फाइव सेवन एट नाइन कुछ इस तरह दे दें, तो बस पुट करते जाना और आपके पास रेंज आती जाएगी। अच्छा जी, इसी किस्म का सवाल क्वेश्चन नंबर थर्टीन है बच्चों, मैं आइडिया दे देता हूँ, बाकी सॉल्व कर लेना। वही आपको ए और बी की वैल्यू निकालनी है, मैं जरा आइडिया देता हूँ आप लोगों क्या करना है। इसमें फंक्शन आपको दिया हुआ है, इसमें आपको एक्स्ट्रा काम नहीं करना, बस वैल्यूज ही निकालनी है। क्वेश्चन नंबर 12 में एक्स्ट्रा काम भी करना था ना, ये इसलिए मैंने करवा दिया था। इसमें आपको ए और बी निकालना है, ठीक है, ए की वैल्यू बी की वैल्यू निकालनी है। कंडीशन क्या है, कंडीशन ये दी हुई है, इसका मतलब भी बता सकते हैं क्या मतलब है इसका, डोमेन टू रेंज माइनस थ्री। हाँ, इसका मतलब ये है कि जब आप यहाँ पे टू पुट करोगे ना इस फंक्शन के अंदर, तो आपको आंसर क्या मिलेगा, माइनस थ्री मिलेगा। तो इस पहली कंडीशन को इस्तेमाल करके पहली इक्वेशन निकालते हैं हम, कैसे, इस फंक्शन के अंदर आप एक्स की जगह पे टू पुट कर दो, टू पुट करोगे टू का क्यूब एट, यहाँ पे टू पुट करोगे टू का स्क्वायर फोर, फिर फोर ए हो जाएगा, यहाँ पे टू पुट करो ये टू बी हो जाएगा, और प्लस वन अपनी जगह पे। इस पूरी चीज का आंसर उन्हें क्या बोला कि जब आपने टू पुट किया था तो आंसर क्या मिला था, माइनस थ्री, इसको हम रखेंगे माइनस थ्री के बराबर, ठीक है। इस इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई करो, ये हो जाएगा माइनस फोर ए प्लस टू बी, एट प्लस वन क्या होता है, एट प्लस वन होता है नाइन, नाइन को अगर आप उधर लेके जाओगे नेगेटिव हो जाएगी, तो माइनस ट्वेल्व आ रहा होगा, इसको आप इक्वेशन वन बोल देना। उसके बाद आप क्या करोगे, आपको बोला था कि जब माइनस वन पुट किया था तो आंसर क्या आया था, जीरो। आप इस फंक्शन में माइनस वन पुट करना, माइनस वन का क्यूब माइनस वन, माइनस वन का स्क्वायर वन ही होता है, को बी से करो माइनस बी, और प्लस वन अपनी जगह पे। आपको बोला था कि जब इस माइनस वन पुट किया था तो आंसर क्या आया था, जीरो, जीरो के बराबर रखते हैं, ये आपस में कैंसिल, इक्वेशन आपकी बन रही है माइनस ए माइनस बी इक्वल टू जीरो, इसको आप इक्वेशन टू बोल दो। मैंने यहाँ पे वैसे सिंप्लीफिकेशन कोई की नहीं है, नॉर्मली अगर आप इसको देखो ना, हम पहली टर्म को पॉजिटिव रखते हैं, तो अगर आप पूरी इक्वेशन को नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दोगे तो इक्वेशन बनेगी फोर ए माइनस टू बी इक्वल टू ट्वेल्व, क्योंकि जब नेगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव और ये नेगेटिव हो जाएगा। तो चाहो तो सिंप्लीफाई कर सकते हो, उसके बाद इक्वेशन वन बोल देना। इसी तरह इसको भी सिंप्लीफाई कर सकते हो, माइनस ए माइनस बी इक्वल टू जीरो है, आप माइनस से मल्टीप्लाई करवा दो, ए प्लस बी इक्वल टू जीरो हो जाएगा। बहरहाल दोनों इक्वेशन आपके पास आ गई है, अब आपने इसको सॉल्व करना है बच्चों। तो इसको किस तरह सॉल्व करोगे, कोई आइडिया दे सकते हो, बस अगर ये दो इक्वेशन है आपने सॉल्व करना है, क्या करें हम यहाँ पे, सर इक्वेशन टू को फोर से मल्टीप्लाई करेंगे उसके बाद सब्ट्रैक्ट करवाएंगे, ये भी कर सकते हो। देखो सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज करना पड़ता है ना, तो थोड़ी गलती भी हो सकती है, तो हम इससे इजी काम कर लेते हैं। हम क्या करते हैं, इधर देखो बी पॉजिटिव है, इधर बी नेगेटिव है, तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन टू को टू से मल्टीप्लाई करवाते हैं, यहाँ पे टू बी आ जाएगा माइनस टू बी, तो जब आप डायरेक्ट ऐड करवाओगे तो बी कैंसिल हो जाएगा। तो अगर आप इक्वेशन टू को टू से मल्टीप्लाई करवाओ तो डायरेक्ट ऐड करवाओगे तो बी कैंसिल हो जाएगा, या दूसरा हल ये है कि आप इक्वेशन टू को फोर से मल्टीप्लाई करवाओ और फिर आपस में सब्ट्रैक्ट कर दो, ऐसा भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। या ऐसा भी एक और हल भी है कि आप इक्वेशन नंबर टू को माइनस फोर से मल्टीप्लाई करवाओ, पहले आप फोर से मल्टीप्लाई करवा रहे थे ना, आप इसको डायरेक्ट माइनस फोर से मल्टीप्लाई करवाओ और फिर इनको ऐड कर दो, इस तरह भी कर सकते हो। डिफरेंट पॉसिबिलिटी है, आपको बस कैंसिल करवाना, आप किसी तरह भी कैंसिल करवाओ, वैल्यूज निकालो, आपके पास वैल्यूज आ जाएंगे और आपका ये वाली एक्सरसाइज जो है कंप्लीट हो गई है।